अगर आपको प्रधानमंत्री से टक्कर लेनी है तो आप करप्ट नहीं होने चाहिए, झोला छाप होने चाहिए कि झोला लें, थैला लें, दो चार कपड़े रखें बैग में और जहां आपको ले जाएं, जहां आपको जगह मिले वहां सो जाएं। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेनी है, ये शब्द हैं गवर्नर सत्यपाल मलिक के, जो इस समय मेघालय के गवर्नर हैं। पहले वो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर रह चुके हैं और ये एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये शब्द कहे। और उससे पहले, ये इंटरव्यू देने से पहले उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में करप्शन पीक लेवल पे है और यहाँ रोशनी एक्ट के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लैटें, फ्लैट बने हैं, ज़मीनें जो हैं वो, उसी का जवाब वो दे रहे थे। उन्होंने एक और बात कही और बड़ी, ये बड़ी गंभीर बात है कि उन्होंने कही कि राजनीति पहले एक मिशन हुआ करता था, फिर ये बिजनेस बन गया, व्यापार बन गया, कारोबार बन गया और अब ना जाने क्या क्या। ये शब्द एक गवर्नर के मुख से निकले हैं। अब सोचें कि कितना संगीन मामला है। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री से टक्कर लेनी है, थोड़ी तैयारी कर लें, झोला छाप बने, प्रधानमंत्री को नॉर्मल है नहीं। अब क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने रात को इंटरव्यू आया था, सुबह भी रिपीट हुआ था। अपनी फेसबुक में भी हमने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ जो दो चार बातें लिख दी थी। बिल्कुल ठीक कहा कि मिशन नहीं रहा, वो बिजनेस बन गया अपने। और क्या क्या हो गया? हाँ, उन्होंने कहा कि अगर पहले वो एक राजनीति मिशन हुआ हमारे करता में था। सेवा भाव या जो भी था राजनीति, अब नहीं रहा, वो बिजनेस बन गया। और क्या क्या बन गया? लेकिन ये आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये सब अभी तो लेकिन बात यह दीपू जी, एक सिटिंग गवर्नर, एक्स गवर्नर, चलो जे एंड के गया लेकिन मेघालय के तो गवर्नर है ना। एक सिटी गवर्नर नेशनल टीवी पे मेरे ख्याल कम से कम वो 40 या 42 मिनट मेरे ख्याल में वो इंटरव्यू चला, जो मैंने रात को भी सुना और सुबह में, क्योंकि अर्ली राइजर हूँ, मैंने सुबह भी सुना। अंदर की बात मैं नहीं जानता, उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता, दिल्ली वालों के मन में क्या है वो तो नहीं मैं जानता, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मुझे याद आ रहा है, शायद कुछ ऐसा हुआ हो पहले भी, मुझे कोई याद नहीं, एक सिटिंग गवर्नर ने इतना ओपनली कभी बोला नहीं। और उन्हें जहां तक कह दिया, अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं अपनी कुर्सी भी छोड़ दूंगा। मतलब वो डरते वरते तो है नहीं अब उन्होंने वो। ऐसे बोला ये, और इसमें मोटी बात यह है, ये बंदा वो ही बोल सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड ठीक हो। लेकिन इस चर्चा में एक विशेष बात हमें ये करनी है, क्योंकि पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई काफ़ी लूट वूट की है नेताओं ने। तो महबूबा मुफ्ती का एक रिएक्शन आया था, उस पर भी हमने चर्चा की थी और कहा था कि उन्होंने डेफमेशन किया है। और अब सत्यपाल मलिक जी की तरफ से एक रिप्लाई आया कि नहीं, मेरे पास अभी तक नोटिस नहीं आया है और शायद महबूबा के जो वकील हैं उनको कोई मिसगाइड किया है, क्या है, तो बात यह है उन्होंने कि क्या पता वो ईमेल खराब हो गई हो, क्या पता स्पीड पोस्ट खराब हो गई हो, क्या पता वो व्हाट्सएप सारा खराब हो गया हो। मेरे पास उस नोटिस की कॉपी घर में पड़ी हुई है, चाहेंगे तो मैं आपको भी दे दूंगा। अच्छा, वो नोटिस भेजा मेरे है। पास पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी ईमेल खराब हो गया, उनका व्हाट्सएप खराब हो तो गया। हो सकता पहुंच जाए मेघालय में नहीं, वो दे बात रहे अलग है, वो बात अलग है। जब नेशनल टीवी पे ये बात कही गई उसका कुछ मतलब है। बाकी जो वो जो अनिल सेठी जी जनाब हैं, उन्होंने किसी एजेंडे के साथ पीडीपी ज्वाइन की है जी। और भी वो कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास वकील है, वर्ल्ड क्लास समिति ना बिल्कुल। अब उन्होंने कुछ वो देखी कोई क्लास क्लास एटी बनी क्या है वो, उसमें कर दिया उन्होंने। अच्छा, और वो पढ़ा तो होगा, उसमें क्या लिखा है? नोटिस में याद नहीं जिस वो सेक्शन के में किया उन्होंने। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, गवर्नर साहब ने खुद ला पढ़ा हुआ है मेरठ से। मैं सुबह देख रहा था, मेरठ से उन्होंने एक ज़माने में की होगी वो एलएलबी वगैरह।
और दूसरी बात यह है कि अब समय ही बताएगा कि वो जो उन्होंने वकील साहब ने नोटिस भेजा उसका कितना इम्पैक्ट होगा। और सारे इंटरव्यू में मलिक साहब का जो मैं देख रहा था वो बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने कोई इस नोटिस को बड़ा गंभीरता से नहीं लिया, वैसे कोई बड़ी गंभीरता से ऐसे बोल दिया जो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, तो शायद आज पहुंच जाए या ना पहुंच जाए या कब पहुंच जाए। तो अगर एक गवर्नर को एक एक्स चीफ मिनिस्टर नोटिस इशू कर रही है, एक मेरे जैसे सड़क के आदमी के पास नोटिस की कापी है, और मेघालय में तो मेरे ख्याल बटन दबाए तो एक मिनट में नोटिस पहुंचता है, इसमें क्या मुसीबतें रही होंगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं क्या बताऊँ, इससे मैं तो ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर महबूबा ने तो महबूबा के जो वर्कर हैं उन्होंने भी ज़मीनें, बिल्कुल कहा जी, उन्होंने बिल्कुल कहा बेनामी हिसाब से ली हैं, बिल्कुल कहा ये चीज़ रिकॉर्डेड है, ये तो कोई भी सुन सकता है। अब शायद आज छुट्टी है तो महबूबा जी को जब गुस्सा चढ़ेगा तो एक ट्वीट कर देंगी। लेकिन क्या, क्योंकि इस पे रोशनी एक्ट पे हमने बहुत ज़्यादा चर्चाएं की हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जब ये एक्ट बना उसके बाद उन लोगों ने ज़मीनें ली, अब उन सभी लोगों को दोषी माना जाए? देखो जी, बात तो इम्प्लीमेंट होगी जो इसमें जजमेंट आई है, किसने कब ली, कैसे ली, क्यों ली, किससे ली, कैसे हुआ। अब जो जजमेंट आई है वो चीफ जस्टिस साहब दे के गई हैं, जो रिटायर हो चुकी गीता मित्तल जी और उनके साथी जो थे वो बिंदल साहब, जजमेंट जो उन्होंने दी है उस जजमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने आर्डर पास किया है बात तो उसी पे होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस जजमेंट को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया। चाहे जैसे मैंने पहला भी बोला, एक्शन की गति धीमी है, एक्शन की गति थोड़ी धीमी है, बात तो वही होगी। बाकी जो मैंने कल अपनी कानून से ठीक ठाक सुना, उन्होंने पीडीपी का नाम लिया और एनसी का नाम लिया। वो बोल रहे थे फारूक अब्दुल्ला के बारे में, एनसी और पीडीपी का नाम लिया, लेकिन पता नहीं क्यों उनके माइंड से वो थोड़ा निकल गया, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मलिक साहब कांग्रेस निकल गई और हमारे जो बड़े नेशनलिस्ट भाई हैं बीजेपी के वो निकल गए, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने भी कुछ लिया है इसमें बेनिफिट, आपको भी पता मुझे भी पता है। चलिए कुछ माइंड से निकल गया होगा, लेकिन जो रियलिटी है तो वो रियलिटी तो रियलिटी रहेगी ना जी, उसमें क्या है। अब देखते हैं सिन्हा साहब क्या करते हैं। लेकिन वो जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई डरे हैं, डर है, खौफ है उनको किसी बात का, या उनको लगता है कि मैं अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर नाम लूंगा। उन्होंने तो वहाँ गोवा के सीएम, तो उनके कोई जो मैंने इंटरव्यू सुना, मुझे तो वो डर शर उनको लगा नहीं, अगर वो इतने डरे होते तो ये ना कहते कि मैं कुर्सी भी छोड़ दूंगा आर्डर होगा तो। वो कह रहे हैं उन्होंने वहां पे कहा, गोवा के एक सीएम है, उन्होंने कहा कि गोवा के एक सीएम थे वो करप्शन कर रहे थे, पता नहीं को राशन शासन का, बीजेपी पार्टी के थे शायद, हाँ यही वही थे, तो वो पता नहीं क्या मसला था राशन शासन का, तो मैंने जब पॉइंट आउट किया, और ये भी वो चाहते थे कि जो गोवा का जो राजभवन है हमने तो देखा नहीं उसको, उसको उसकी जगह को नया राजभवन बनाया जाए या इस तरीके से कुछ किया जाए, तो मैंने जब ये किया अपोज तो उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने मोदी जी के भी संज्ञान में ये बात लाई, लेकिन कुछ मुझे लगता है असर खास हुआ नहीं, तो उनको कहा जी आप जाइए, आप बैठिए वहाँ पे रेस्ट करिए, कहाँ पे मेघालय में। ये तो ये अच्छा संदेश है कि आप करप्शन, बिल्कुल जो आप ये दीपक जी सवाल पूछ रहे हैं यही सवाल रात को नेशनल चैनल पे राज उन्होंने सरदार साई ने भी पूछा है, राजदीप सरदार भाई अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये सिस्टम कैसे चलेगा। अगर कोई सच की बात करता है और उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, वो तो होता नहीं, और जो सच बोल रहा है उसी को आप कहते हैं जी एक्शन क्या, जाओ जी आप करो जाओ, क्योंकि सच मैंने आपको बोला ना वो बड़ी नंगी तलवार है, कड़वी चीज़ है, कौन कड़वी चीज़ कौन खाए। प्रधानमंत्री पे तो लोग विश्वास करते हैं और इतनी ज़्यादा, मैं प्रधानमंत्री की, मैं एक बड़ा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं प्रधानमंत्री की ज़ात पर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो चीज़ें मीडिया में आई हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब क्या मजबूरियाँ रही होंगी, क्या मसले होंगे, हमें क्या पता, अंदर की बात मुझे तो नहीं कम से कम पता। बट वन थिंग इज देयर, एक सिटिंग गवर्नर का और वो भी उसी पार्टी का, अपनी पार्टी पर ही कटाक्ष करना मेरे को छोटी बात नहीं होती है, बिल्कुल मैं बात ये कह रहा हूँ। और अगर सब पाक अगर सब ठीक ठाक है और गड़बड़ कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट को बता देना चाहिए ना,
कि ये सब हंगामा ऐसे ही है। संघ के लिए भी शायद उन्होंने कहा कि संघ एक व्यक्ति की वजह से संघ को, व्यक्ति कौन है वो मलिक साहब ने बताया नहीं हमें, और क्यों नहीं बताया। और फिर वही उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो गवर्नर रैम के बंदे हैं वो। आपको याद है कौन कौन था उस समय जब गवर्नर सत्यपाल मलिक जी? कुछ आइडिया मुझे भी नहीं जी, और ऐसे जब तक कोई चीज़ कन्फर्म ना हो किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं होता। लेकिन मुझे कुछ धुंधला सा आइडिया लग रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जब तक चीज़ कन्फर्म ना हो ऐसे किसी का नाम सोशल मीडिया में लाना वो एक गलत बात होती है मेरे ख्याल। लेकिन चलिए हमारी बात तो छोड़िए, उनको तो पता है ना, जब उन्होंने CM गोवा के बारे में टिप्पणी कर दी, फारूक साहब के बारे में टिप्पणी कर दी, महबूबा जी के बारे में टिप्पणी कर दी, तो वो ऐसे कौन से बंदे थे इस पर टिप्पणी नहीं हो सकती। अब इसमें तो थोड़ा सवालिया निशान लग ही जाता है। नहीं तो हो सकता है संघ स्ट्रिक्ट एक्शन करता उन लोगों पे, तो इसलिए उनका नाम थोड़ा उन्होंने कहा नहीं। लेकिन फिर ये भाई बात छेड़ने की जरूरत नहीं थी फिर। हम क्यों ऐसी बात करें जिस पर एक संघ से डरते हैं ना लोग कि संघ जो है वो डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक गवर्नर रैंक का बंदा है और वो ऐसा स्टेटमेंट दे दे और बाद में जिसमें वो जिसमें लोग सवालिया निशान उठाने की जरूरत, या फिर इसको छेड़ने नहीं था, इसको रहने देना था। तो जब आपने किया और रात को राजदीप से राजसाई ने जो मुझे याद आ रहा पूछा भी वो, लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने। और ये तो दूर की बात है जी, ये तो दूर की बात है संघ वाले की। वो जो इंश्योरेंस का मसला बना था उसमें एक ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है, उसका नाम मैं ले चुका हूँ, आज नहीं लूंगा वैसे आपके सामने, मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। कौन सा इंश्योरेंस? वो जो जिस वो रिलायंस का इंश्योरेंस जिसका वो मसला बना था, अंबानी इंश्योरेंस जो इम्प्लाईज की और पेंशन को इंश्योरेंस वगैरह मिली थी, वो एक स्कीम बनी थी, बाद में उसको ठप कर दिया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी कुछ, जिसके बारे में उन्होंने भी जिक्र किया थोड़ा सा। लेकिन उसमें भी विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑनरेबल मलिक साहब, नाम नहीं लिया उन्होंने। एक ब्यूरोक्रेट का नाम सर्कुलेट किया उस ज़माने में, और मैंने भी 2-3 बार शायद बोला है, शायद लिखा भी है अपनी फेसबुक पोस्ट, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट आज की डेट में पूरे के पूरे जमे हुए हैं। अब क्या बताएं? मुझे तो कई बार अजीब सा लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। कुछ मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ, चलो आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतने बड़े बड़े लोगों की भी मजबूरियां हैं, और कई बार मुझे हमने अपने पे ही विश्वास ख़त्म हो जाता है कि ये लोग ठीक हैं या हम लोग छोटे से आदमी हम ठीक हैं, ये ठीक हैं, कुछ अजीब से मन में अजीब किस्म की हलचल शुरू हो जाती है। एक उन्होंने कहा था 2 फाइलें थी जिसमें 150-150 करोड़ रुपया मिल सकता था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे दिया नहीं, लेकिन मेरे जो साथ में सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे बताया कि मिल सकता है अगर आप चाहें तो। ठीक, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी का नाम भी नहीं बताया। आपको पता तो मुझे बता दीजिए सेक्रेटरी का नाम। इशारों में भैया क्यों बात कर रहे हो आप? फिर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इशारों में क्यों बात की जा रही है? जब नेशनल TV पर आप खुल के आ गए और उसमें भी किंतु और परंतु है, ऐसे नहीं तो वैसे बात का मतलब मज़ा नहीं आ रहा वो। लेकिन आप जब मेरा इंटरव्यू दीपक जी करते हैं, आप मुझे कहते जी वो आम आदमी आम जो है वो समझ नहीं रहा, तो आप साफ करिए, कई बार आप पूछ चुके हैं, तो फिर मुझे मजबूरी में कुछ कहना पड़ता है। अब क्या बताएं, अब इसलिए मुझे लगता है कि कुछ हमें इस सिस्टम पे ही थोड़ा सा विश्वास उठ गया है कि किसको हम किसकी तरफ हम देखें, किससे हम इंस्पिरेशन लें, किस पे हम विश्वास करें। बात साफ जैसे साफ पानी होता है, जैसे शीशे में पूरा आईना दिखाई देता है, ऐसी चीज सामने नजर नहीं आती। वैसे कोई किसी एजेंडे के तहत तो नहीं गवर्नर साहब ये बयानबाजी कर रहे हैं? मैं क्या कहूँ जी, मैं क्या किसे कह सकता हूँ, मेरी कौन सी उनके साथ कोई वो प्रॉक्सिमिटी है, मैं ना कभी उनको मिला ना मैं उनको जानता हूँ उस तरीके से। जैसे इंटरव्यू हुए तो चलो थोड़ा सा उन्होंने जो बोला हमने भी थोड़ा सा एक बातचीत कर दी, मैं ना कभी उनको मिला ना कोई इच्छा कभी प्रकट हुई उनको मिला जाए, तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन इतना मजबूर कह सकता हूँ, जब आप ये कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, मैं सादा जिंदगी व्यतीत करता हूँ, मुझे ED का डर नहीं है, मुझे इसका डर नहीं है, और मैं कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जब इतना आप कह देते हैं फिर छुपाना क्यों, फिर छुपाना क्यों? इसका मतलब डैश डैश डैश
बिना सबूतों के सिर्फ बातचीत से नहीं होता ना, वहां पे तो दिखाना पड़ेगा, सामने वाला डिफॉर्मेशन करेगा तो फिर कहां से, वो तो कह रहे पैसे नहीं मेरे पास। फिर ये छेड़ने की जरूरत क्या फिर? नहीं, जब हम किसी चीज़ आप एक क्वेश्चन को रेज करते हैं और हमारे पास पूरा सिस्टम ही नहीं है, तो ये चिंगारी लगाने की जरूरत क्या है वैसे? चुप रहो, खामोश रहो, खामोश रहिए ना फिर। फिर ये क्या है, इशारों में बातें कौन समझेगा? इशारे कैसे समझाएंगे लोगों के इशारे? और लोगों के मन में फिर कुछ और किस्म की अजीब बातें आनी शुरू हो जाती हैं। ये तो जो लोग इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ये उनको खुद समझना चाहिए ना कि हमने उनको एजुकेट करना है इस बारे में। बिल्कुल। या साफ बात करो भाई, अगर किसी का नाम नहीं आप ले सकते या कोई बात आप समझा नहीं पा रहे पूरा अच्छा। और मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, मैंने कभी ऐसे लाइफ में किया नहीं, ऐसे पता नहीं नाम लेने से हो गया जाएगा, क्या हो जाएगा नाम लेने से? ऐसे ऐसा क्या हो जाएगा ऐसे नाम लेने से? आप सेक्रेटरी का नाम नहीं ले रहे, ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं ले रहे, जिसका मैं मेरे जैसा छोटा सा आदमी 3-4 बार नाम ले चुका है, मुझे पक्का याद है, शायद 1-2 पोस्ट पे पोस्ट पे भी लिख चुका है। मेरे जैसा छोटा आदमी एक ले सकता है? ये तो इतने बड़े लोग हैं। इसका मतलब है जो मैं अपने छोटी मोटी अकल के सार, हम लोगों की कम मजबूरियां हैं, इन लोगों की ज़्यादा मजबूरियां। नहीं, उनके किसी का नाम लेने से तो हो सकता है वो पब्लिकली बेचारा घूम भी ना पाए, फिर आदमी फिर क्या करेंगे फिर उसका। आप मुझे ये बताए ना, फिर इस छेड़ो ना ना फिर, नहीं, छोटा ये ऐसा साज मोटा मत पहुंचाओ नहीं, ना। छोटा मोटा एक्शन तो हमें लगता है, अगर वो कह रहे हैं जी मेरे साथ वो बंदा था, तो गवर्नमेंट को पता होगा वो उस पर छोटा मोटा तो जो एक्शन। गवर्नमेंट को पता होगा तो गवर्नमेंट अभी तक क्या किया जी? चलो चलो जी, आपकी बात मान लेते, गवर्नमेंट को पता होगा जी, आपको नहीं पता, मुझे उस बंदे पर क्या एक्शन होगा? अगर एक्शन हुआ तो वो सीक्रेट एक्शन था। क्या बात है जी, कमाल कर रहे हैं आप। कोई अभी नहीं हो, चलो जी, नहीं नाम बताया ना, कोई बात नहीं, चलो जी, गवर्नमेंट को पता होगा। मरमू साहब ने भी एक्शन नहीं किया उस बंदे पर, तो मैंने आज की पोस्ट में लिखा कि हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि सिन्हा साहब कुछ फैसला करेंगे। बस हम तो यही कह सकते, रिक्वेस्ट कर सकते ना, बस हम तो उतनी बात कर सकते हैं जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी शक्ति है, बाकी अंदर की बातें। ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक और बात को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ है। वो पाकिस्तान ने मैच जीता, और छोड़ पड़ गया शोर, यहाँ डांस कर रहे हैं लोग, हुटिंग कर वही। रहे मैं हैं। बिल्कुल बड़े हानि, क्योंकि सामे में कोई FIR रजिस्टर हुआ है? हाँ, सामे में कौन लोग थे पता नहीं, मुझे समझ नहीं। कौन वो जी, वो कोई पार्टियां कर रहे थे वहां पर, तो मतलब ऐसे जनरल था या कुछ? जो पाकिस्तान समर्थक अच्छा, जो होंगे। समर्थक थे वो कहते कोई वहां पकड़े भी हैं लोग कुछ, हाँ, जो मैंने सुना है। दो 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 सुनने में आया था, पकड़ लिए हैं, तो बाकी अभी फरार अभी हैं। पढ़ रहे हैं, पकड़ लेंगे। जो अजीब की बात है, जम्मू रीजन में तो हमने कोई सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। जम्मू रीजन में हमने तो सोचा नहीं था, वहाँ भी हुआ, एक श्रीनगर भी हुआ है। और वहाँ के जो एक वीडियो कहते वायरल हो गया, वो कोई को मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, वो डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हाँ, वो एक बड़ा सख्त एक्ट है, वो UPA अपने क्या UAPA जो भी है वो की है, उसकी धाराओं के तहत किया है। मजाक बन गया ये, मजाक बन गया ये। नहीं, कल भी हम एक प्रश्न रेज कर रहे थे कि अगर ये लोग कल नौकरियां करते हैं या कहीं भी हमारे सिस्टम के अंदर कहीं काम करते हैं, तो इनकी तो विचारधारा ही नहीं है भारत वाले, तो ये लोग तो कभी भी नुकसान जी पहुंचाएंगे। इतने कुछ लोगों के, सभी को तो नहीं कि हम कह सकते, इतने कुछ लोगों के माइंड्स पॉइजन हो चुके हैं, कई डेकेड से पॉइजन हो चुके हैं, कि उनकी सफाई करना भी कोई मजाक नहीं। और मेडिकल कॉलेज के बच्चे और ये, उनको इतनी सिंपथी हमारे पड़ोसी के साथ, फिर कहना पड़ता ना, खाना यहाँ का तो गाने वहाँ के गाने, फिर कहना पड़ता, मजबूरी में कहना पड़ता, खाना यहाँ का गाने वहाँ के गाने। और दूसरी बात दीपक जी, मैच था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, मैच था, क्रिकेट का मैच। लेकिन वो पाकिस्तानी तो उसे लड़ाई समझ रहे ना। वो जी वो भी समझ रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान के लोग भी लड़ाई समझते हैं इस तरीके से, काफी के लोग वो भी लड़ाई समझते हैं जैसे कोई बॉर्डर में लड़ाई हो रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान हार जाता तो उनकी टीम वापस पाकिस्तान ना पहुंचती। चलो अलग बात है, यहाँ भी मतलब इतना इतना भी ऐसा। और दूसरी बात यह है, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, जब हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, जब हम उसे अपने एनिमी कंट्री समझते हैं, उसके साथ ऐसे मैच खेलने भी क्या जरूरत है? इतनी क्या मजबूरी है वैसे? नहीं,
इसका क्या जवाब है सर जी, क्या इसकी मजबूरी कैसे, जब उनसे बात नहीं करना चाहते हम, वो हमारे लिए मुसीबतें बना रहे हैं आज से नहीं पिछले 30-35-40 साल से बना रहे हैं, फिर उनके साथ इधर से ये जो गुड विल मैच या बैड विल जो भी है मैच, ये खेलने की जरूरत वैसे है भी क्या वैसे, मुझे तो अभी तक इसका जवाब अभी तक मिला नहीं। लेकिन इन लोगों पे हुई FIR? किस पे? ये जो यहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, दो FIR है, हमने जो टीवी में सुना, अभी आपके आने से पहले सुन रहा था टीवी पे, दो FIR रजिस्टर श्रीनगर में, जम्मू में, कुछ एक्शन भी इन्होंने इनिशिएट किया है, 2-4 दिन में पता लग जाएगा क्या पकड़ धकड़ हुई क्या, वो पता लग जाएगा। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, होम मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, होम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं उधर, साथ में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या, व्हाट इज द मैसेज? अब कई बार यही समझ आ आता कोई कामयाबी है भी है या नहीं है, कि खाली बातों में है ये। अपेरेंटली तो लगता होगा कामयाबी है ग्राउंड पे, लेकिन जो मनों के अंदर घुसी हुई हैं बातें हैं, मनों के अंदर जो विचारधाराएं बनी हुई हैं, उसको कौन साफ करेगा, कैसे साफ होगा वो, आप बताइए ना, इतना आसान काम नहीं है। तो इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़े मुश्किल हालात से हम सब लोग गुजर रहे हैं, कश्मीर वालों की अपनी समस्याएं होंगी, जम्मू वालों की अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी ठीक ठाक चल रही है, राजनीति, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक एजेंडा, राजनीति 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 और कुछ भी नहीं। सारे देश को ठीक कर देंगे ये लोग, क्या पता ठीक करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन ये खाली राजनीति चल रही है, और उसमें होता क्या है, हम और आप जैसे आम आदमी सफ़र करते हैं, हम जैसे आप जैसे मजदूर किसान छोटा बंदा छोटा दुकानदार वो सफ़र करता है, उसको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको ये होता है मैं रोज़ी रोज़ी करके अपना घर बार छोटा मोटा चलाऊँ, उसको ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लंबी चौड़ी चाहिए होती है। ये बहुत बार हम बातें कर चुके हैं और शायद हम करते भी रहेंगे, क्योंकि इतने जल्दी जैसे सिस्टम ठीक होने वाले नहीं हैं। तो यानी हो आप बात को ख़त्म करते हैं, लंबा नहीं करते, सिर्फ ये है कि उम्मीद करते हैं कि आज की डेट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो कोई ठीक करेंगे चीज़ों को, उम्मीद की जा सकती ना, ठीक करेंगे। और कम से कम मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, मैंने आज अपनी फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है, जनाबी अली एक ब्यूरोक्रेट को अगर आप हटा भी देंगे एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं, इंडिया बहुत बड़ा है, जब इतना नेशनल चैनल पर आ गया और 2 बार एक गवर्नर ने कह भी दिया, खाने लगता कि उस ब्यूरोक्रेट के बिना हिंदुस्तान नहीं चल सकता। अब जरूरी है कि मुझे उसका नाम अगेन फिर बोलना है, नहीं अगर आप बोलना चाहते हैं, मुझे नहीं बोलना, देखते ना, पन्ना साहब को भी पता, मरवू साहब को भी पता था, सतपाल मलिक जी को भी पता है, कोई बड़े बड़े आदमी वो नहीं बोल रहे तो मुझे क्यों बोलना है, मैं कौन सा वही इतना भारी भरकम आदमी हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो पहले बोल चुका हूँ, अब दोबारा क्यों मुझे बार बार वही माला जपनी है, मैंने सारी बातें हो चुकी हैं, अब देखते हैं ना आज की एडमिनिस्ट्रेशन उस पर करती क्या, उस बंदे पर करती क्या, जमे हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, जमे हुए हमेशा उनको प्राइस पोस्टिंग मिलती है, कहाँ कहाँ उनके वो तारें जुड़ी हुई हैं, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, कुछ वैसे पता भी है मेरे को, लेकिन मैं बात को ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, आप आए जी। तो इतनी ज़्यादा करप्शन जो है हमारे समाज में हो रही है, राजनीतिक स्तर कितना गिर गया है, गवर्नर साहब खुद ही बता रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को मिसगाइड किया जा रहा है ये भी वो बता रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान का और पाकिस्तान उसमें विजय हुआ है और लोग जश्न मना रहे हैं, और वो भी भारत में FIR हुई है, और इन लोगों के ऊपर अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो गवर्नमेंट करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन आप अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत, नमस्कार।